सरोज नेपाली, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। मेरी मेरी आवाज आवाज क्लियर क्लियर है? है? पहले पहले ये ये कंफर्म कंफर्म करो करो आप। आप। हिज हिज वॉइस वॉइस इज इज क्लियर, क्लियर, प्लीज प्लीज कंफर्म। कंफर्म। हेलो सर खुशी खुशी अग्रवाल, अग्रवाल, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। ओसामा ओसामा हसनैन, हसनैन, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सरोज सरोज नेपाली नेपाली कह कह रहे रहे हैं हैं आवाज आवाज क्लियर क्लियर है। है। यस, यस, हमारी हमारी आवाज आवाज सबको सबको क्लियर क्लियर आ आ रही रही है। है। यस, यस, ओसामा ओसामा हसनैन हसनैन क्लियर क्लियर है। है। ठीक, ठीक, तो तो राइट राइट टाइम टाइम शायद शायद एक एक दो दो मिनट मिनट का का लेट लेट है। है। सरोज सरोज नेपाली नेपाली कह कह रहे रहे हैं, हैं, हसनैन हसनैन कह कह रहे रहे हैं, हैं, ओसामा ओसामा भी भी कह कह रहे रहे हैं, हैं, क्लियर क्लियर है। है। यस यस इज इज द द डे डे सेवेंटीन 17 और और लाइव लाइव सेशन। सेशन। चैप्टर चैप्टर का का नाम नाम है है केमिकल केमिकल कंट्रोल कंट्रोल एंड एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। तो तो इसके इसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस हम हम लोग लोग डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। चैप्टर चैप्टर थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा है, है, इसलिए इसलिए कोशिश कोशिश करेंगे करेंगे हम हम इसको इसको दो दो पार्ट पार्ट में में कर कर पाएं, पाएं, लेकिन लेकिन मैंने मैंने क्या क्या किया किया ना, ना, किसी किसी टॉपिक टॉपिक को को नहीं नहीं अलग अलग इसमें इसमें सेग्रीगेट सेग्रीगेट किया किया है। है। पूरा पूरा चैप्टर चैप्टर में में हम हम लगभग लगभग 50 50 सवाल सवाल चाहेंगे चाहेंगे करना। करना। इको इको आ आ रही रही है, है, जेपी जेपी दिनकर दिनकर खुश खुश रहिए, रहिए, चरण चरण स्पर्श स्पर्श कर कर रहे रहे हैं हैं आप। आप। आयुषी आयुषी पटेल, पटेल, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग, वेरी वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। तो तो मैं मैं ये ये कह कह रहा रहा था था केमिकल केमिकल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन और और कंट्रोल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन जो जो चैप्टर चैप्टर है, है, इसको इसको मैं मैं दो दो पार्ट पार्ट में में कराऊंगा, कराऊंगा, यानी यानी कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन आज आज कराऊंगा कराऊंगा और और कुछ कुछ हम हम नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे करा करा पाएंगे। पाएंगे। ये ये कह कह रहे रहे हैं हैं इको इको आ आ रही रही है, है, इज इज इट इट क्लियर? क्लियर? इको इको आ आ रही रही है है आपकी आपकी आवाज आवाज में? में? सबको सबको इको इको आ आ रही रही है? है? गुड गुड इवनिंग, इवनिंग, गर्ग गर्ग जोशी जोशी आ आ गए, गए, एंजिलाती, एंजिलाती, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। क्या क्या सच सच में में सबको सबको इको इको आ आ रही रही है है या या किसी किसी एक एक की की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है? है? गुड गुड इवनिंग इवनिंग मोहम्मद मोहम्मद रियाज रियाज इब्राहिम, इब्राहिम, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। तो तो यस यस क्लियर क्लियर कर कर दें दें पहले पहले आवाज आवाज को को लेकर, लेकर, तो तो फिर फिर यस। यस। नेहा नेहा भी भी कह कह रहे रहे हैं हैं यस। यस। तो तो थोड़ा थोड़ा मैं मैं सेटिंग सेटिंग देख देख लूं, लूं, फिर फिर हम हम लोग लोग क्लियर क्लियर करते करते हैं। हैं। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग, यस यस सर, सर, इको इको आ आ रही रही है। है। एक एक सेकेंड सेकेंड होल्ड होल्ड करिएगा, करिएगा, फिर फिर मैं मैं जरा जरा एक एक सेकेंड सेकेंड खोल खोल के के बताता बताता हूँ। हूँ। यस यस, अब अब फिर फिर से से चेक चेक करके करके बताइए, बताइए, क्या क्या सच सच में में अभी अभी भी भी इको इको आ आ रही रही है है या या कुछ कुछ कम कम हो हो गई? गई? इको इको स्लाइटली स्लाइटली कम कम कर कर दीजिए। दीजिए। नहीं, नहीं, मैंने मैंने कोशिश कोशिश की की है है कम कम करने करने की। की। गर्ग गर्ग जोशी, जोशी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। अब्बास अब्बास जैदी। जैदी। अब अब देखिए, देखिए, वॉइस वॉइस क्लियर क्लियर हुई? हुई? नहीं, नहीं, इको इको मैं मैं नहीं नहीं कर कर रहा रहा हूं, हूं, मैंने मैंने रूम रूम के के दरवाजे दरवाजे वगैरह वगैरह खोल खोल दिए दिए हैं हैं ताकि ताकि स्पेस स्पेस बड़ा बड़ा हो हो जाए, जाए, इको इको ना ना आए। आए। कम कम हुई हुई है है सर। सर। चलिए, चलिए, इससे इससे काम काम चल चल जाना जाना चाहिए चाहिए मुझे मुझे लगता लगता है। है। अब अब स्टूडियो स्टूडियो तो तो है है नहीं, नहीं, ये ये घर घर है, है, तो तो घर घर की की तरह तरह ही ही आएगा। आएगा। तो तो शुरू शुरू करें करें हम हम लोग? लोग? यस, यस, नेहा नेहा खान खान कह कह रही रही आवाज आवाज क्लियर क्लियर है। है। तो तो मैंने मैंने आपसे आपसे ये ये कहा कहा कि कि आज आज का का जो जो चैप्टर चैप्टर है है वो वो केमिकल केमिकल कंट्रोल कंट्रोल एंड एंड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन है। है। मैं मैं दो दो पार्ट पार्ट में में डिस्कस डिस्कस करूंगा करूंगा और और आपका आपका समय समय ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं लूंगा लूंगा और और फिर फिर शुरू शुरू करते करते हैं हैं हम हम लोग। लोग। लेकिन लेकिन एक एक जो जो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रहती रहती है है मेरा, मेरा, कि कि आप आप क्वेश्चंस क्वेश्चंस देखें, देखें, क्योंकि क्योंकि अब अब कई कई दिन दिन हो हो गए गए इसको इसको करते करते करते। करते। तो तो क्वेश्चन क्वेश्चन देखते देखते ही ही तुरंत तुरंत आंसर आंसर करने करने की की कोशिश कोशिश करें, करें, थोड़ा थोड़ा फोकस फोकस करिए। करिए। किसी किसी बुक, बुक, गूगल गूगल इनकी इनकी तरफ तरफ मत मत जाइए। जाइए। आप आप फोकस फोकस करिए, करिए, क्वेश्चन क्वेश्चन की की लाइंस लाइंस के के जो जो वर्ड्स वर्ड्स लिखे लिखे हैं हैं उसे उसे ध्यान ध्यान से से पढ़ें। पढ़ें। जब जब आप आप माउथ माउथ नॉच नॉच करके करके बोलते बोलते हैं हैं तब तब ज्यादा ज्यादा आती आती है। है। चलिए, चलिए, काम काम चल चल जाएगा, जाएगा, सरोज सरोज कह कह रहे रहे हैं। हैं। कोई कोई बात बात नहीं। नहीं। तो तो यस, यस, तो तो मैं मैं ये ये कह कह रहा रहा था था कि कि आप आप क्वेश्चन क्वेश्चन देखते देखते वक्त वक्त पूरा पूरा फोकस फोकस करिएगा। करिएगा। जो जो वर्ड्स वर्ड्स आपके आपके पास पास हैं, हैं, जो जो स्क्रीन स्क्रीन पे पे दिखाई दिखाई देंगे, देंगे, एकदम एकदम उसी उसी से से आप आप पढ़ना पढ़ना शुरू शुरू करिएगा। करिएगा। इधर इधर उधर उधर भटकिएगा भटकिएगा नहीं, नहीं, तो तो आप आप जल्दी जल्दी कर कर पाएंगे। पाएंगे। तो तो यस, यस, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर ये ये रहा रहा हमारा हमारा पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। ये ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी को को हम हम बार 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 कहते कहते हैं, हैं, पढ़कर पढ़कर आइए। आइए। यस, यस, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए। द द डैश डैश एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम सिस्टम जॉइंटली जॉइंटली कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एंड एंड रेगुलेट रेगुलेट द द हिस्टोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल फंक्शंस फंक्शंस इन इन द द बॉडी, बॉडी, फिल फिल इन इन द द ब्लैंक ब्लैंक विद विद द द एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन। यस, यस, आरुषि आरुषि पटेल पटेल कह कह रही रही हैं हैं कि कि आज आज मेरी मेरी फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्लास है। है। कोई कोई बात बात नहीं। नहीं। सचिन सचिन भल्ला, भल्ला, पहला पहला आंसर आंसर आया आया बी, बी, न्यूरल न्यूरल सिस्टम। सिस्टम।
संदेह ही नहीं है, आंसर शुड बी द बी। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है और शुरुआत में ही कहा गया हम लोग नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन दोनों को नाम देते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी आप नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम जरूर स्टिमुलेट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करोगे तो एड्रेनलिन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा। या दूसरी भाषा में कहें अगर हम आपको एड्रेनलिन का इंजेक्शन दे दें तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। यस आंसर इज क्वाइट करेक्ट, सभी का सही है। ये एनसीईआरटी की लाइन का सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से ही लिया गया है लेकिन अगर आप ट्रेस कर पाए क्वेश्चन खुद पढ़िए। मैं पढ़ता हूं तो चीजें शायद इतनी अच्छी नहीं दिखती हैं, आप पढ़िए तो ज्यादा बेहतर है। यस रीड द क्वेश्चन एंड फिल द कॉलम ए बी एंड सी। सचित का कहना आंसर बी आएगा सेकंड का। और कोई आंसर? बहुत फास्ट करते हैं सचित, और लोग भी करिए और इनसे फास्ट करिए। खुशी गर्व यस, और लोग के आंसर आने लगे सभी का। अंजला नेहा इन सब का आंसर बी आ रहा, देख कर मत करिएगा इसी को पढ़ के करिए। यस शिवानी अयान हारून अमन बी। यस द फाइबर डू नॉट इनहिबिट ऑल द, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है इंट्रोडक्टरी पार्ट से। ये बात नर्वस सिस्टम के बात कही गई क्योंकि न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बाद कहा गया जो न्यूरल सिस्टम है या न्यूरल फाइबर्स हैं ये सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकते, तो जाहिर है ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटीन्यूअसली रेगुलेटेड, क्योंकि सेल्स मिलकर के टिश्यू ऑर्गन या पूरा शरीर बना रही हैं तो जरूरत पड़ती है कि सेल्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हों। तो नर्व एंड कंटीन्यूअसली यानी अभी भी हम बी और सी पर हैं। ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय यस केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स। आंसर इज द बी। गुड इवनिंग शोनी वर्मा, तो आंसर आपका बी आया। यानी ये भी सवाल बिल्कुल पहला जो क्वेश्चन हमने लिया था उसी तरह से रिलेटेड था। शुरुआत के जो छोटे छोटे दो पैराग्राफ दिए गए हैं वहीं से दो क्वेश्चन हमने फ्रेम किए थे। आंसर बिल्कुल सबका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, जो डेफिनेशन दी गई है हार्मोन की उसको लेकर सवाल है। चार स्टेटमेंट लिखे गए हैं, बताना है करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन इन चारों में से कौन सी है। जो चार आपको फीचर्स दिए गए चारों से, खुशी अग्रवाल यस सचित पीछे रह गए, थर्ड का ए का है 1 2 3 फोर्थ इज रॉन्ग, खुशी का कहना, अयान अंजला सचित यस नेहा खान एंड नेहा दो अलग अलग लोग हैं, ये इन दोनों लोग का ए कहना आंसर है। यस बिल्कुल आंसर इज ए, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं इंटरसेलुलर, देखिए यहां लिखा इंट्रा और इंट्रा का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, विद इन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, किसी दो चीजों के बीच में अगर हम बात कर रहे होंगे तो वो कहलाएगा इंटर यानी इन बिटवीन दिस। तो हम लोग कहते हैं कि हार्मोन एक सेल से निकलते हैं और उसके टारगेट यानी जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं वो दूसरी जगह पर होते हैं दूसरी जगह पर, तो ये कहलाएगा दैट इज इंटर, ये इंट्रा नहीं हुआ, इन बिटवीन द सेल्स, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग एंड यस आंसर द ए। सबका आंसर सही है, कोई गलत कर नहीं रहा है, अभी वो सवाल भी नहीं आ रहा है क्योंकि पुरानी डेफिनेशन के बाद एक नई डेफिनेशन यही दी गई कि हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेसेस। जो पुरानी डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन कहते थे उसकी पहली लाइन लिखी होती थी हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, सर वो लाइन हटा ली गई क्योंकि बहुत सारे हार्मोन डिस्कवर हुए जो किसी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते, जैसे आपने एएनएफ पढ़ा होगा या फिर एलिमेंट्री कैनाल में जीआईटी से कई सारे हार्मोन निकलते हैं, तो ये किसी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते, या किडनी से एक हार्मोन पड़ा है एरिथ्रोपोइटिन, तो इसलिए ये वर्ड हटा लिया गया कि हार्मोन हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हों ये जरूरी नहीं है। यस आंसर बिल्कुल सही है, आई एम क्वाइट हैप्पी कि आपके आंसर सही हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनाइज्ड
इंडोक्राइन ग्लैंड यानी जिनको हम ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इनमें से कौन है ये बताना है आपको। शुभी चौधरी हेलो भाई, आंसर बताएं शुभी आप। यस सचित ने भी आंसर किया, हारून खुशी सभी का कंपटीशन चार पांच लोगों में जबरदस्त है, ये खाली फिंगर का रोल है, दिमाग सबका एक साथ चल रहा है, शायद टाइपिंग में थोड़ी देर लग जाती है, वॉइस क्लियर समझ नहीं आ रही है, शुभी चौधरी कह रही, और लोग को तो आ रही भाई, कुछ देख लीजिए आप। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडोक्राइन ग्लैंड, तो लिवर इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी हम ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं, ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम पे पिट्यूटरी है एंड थायराइड है, यानी थर्ड एंड फोर्थ, आंसर इज द बी, बिल्कुल। एक्चुअली क्या, हमारा जो घर है उसके जस्ट बगल में कम्युनिटी सेंटर है, रोज शादी होती है, तो अगर मैं सारे दरवाजे ओपन कर दूंगा तो इको तो कम हो जाएगी, लेकिन फिर दूसरी आवाज आने लगेगी, वो गाने बज रहे हैं, वो आवाज शायद बैकग्राउंड में आपको सुनाई देगी, इसी वजह से मुझे कुछ दरवाजे बंद करने पड़े हैं, शायद इसी वजह से इको आ रही होगी। आई एग्री। तो यस फोर्थ का आंसर बी है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, लिवर और गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम जो है ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते हैं। और कोई आंसर करेगा, यस सभी का, ओसामा, अभिषेक, हारून, आंसर ए, हार्मोन्स ऑरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू। सर ऐसे हम लोग कहते हैं ये हमारा हाइपोथैलेमस है, इसी से जुड़ी हुई एंटीरियर पिट्यूटरी है और इसी से जुड़ी हुई पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो आंसर जो ए आंसर कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग फोकस करें, हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एंड रिलीज फ्रॉम देयर एंडिंग दीस हार्मोन रिलीज थ्रू अ सर्कुलेटरी वर्ड। अब जरा देख लीजिए ए आंसर है कि नहीं है, मैं पहले फिर से कह दूं, हार्मोन्स जो आपके पास यहाँ पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बनाते हैं पास थ्रू एक्सॉन, ये तो हम एक्सॉन कह लें या न्यूरॉन भी हो सकता है, अभी चेक करते हैं, यानी पहले पे हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, एंड रिलीज थ्रू द एक्सॉन एंडिंग, तो जाहिर है अब हम यहाँ पर न्यूरॉन करेंगे और सेकेंड वाले को एक्सॉन करेंगे, यानी आंसर या तो बी होगा या सी होगा। These hormones reach to the gland through the this circulatory system. Anterior pituitary की बात कर रहे हैं, pituitary gland पहुंचती सही है, through the portal circulatory system ये भी सही है, and regulate the function of anterior pituitary, answer is the B. Yes, पांचवें में गलतियां खूब हो गई, तो मत पढ़िए सवाल को, अब सचित आए उन्होंने कहा अब भी करेंगे, इतनी भी जल्दी क्या भैया सवाल नहीं पढ़ोगे आप, सी तक आंसर आ गया, ए भी आया, अब अमन सिंह कर रहे हैं बी, कितनी गलत बात है यार, कुछ ही सवाल होते हैं आपके लाइव सेशन में जो वास्तव में आपको वर्क करना होता है, इतनी भी हड़बड़ी मत दिखाओ सचित गलत हो जाए। हाँ नेहा खान कह रही मैंने बी किया था अभी, लेकिन और लोगों को मैं देख रहा हूँ सब लोगों ने किसी ने ए करना शुरू कर दिया, इसका मतलब लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे, जब आप पोर्टल वर्ड चूज कर रहे थे आपने डी ऑप्शन में जब पोर्टल वर्ड चूज किया तो रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैसे हो गया इसका जवाब दें, और सबसे पहले सचेत और खुशी ने ही गलती की है, अगर आप यहाँ पोर्टल वर्ड चूज कर रहे थे तो रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्यों किया आपने, और चीजें तो मैं एक बार मान सकता हूँ एग्जॉन नर्व में आप चलती रहे होंगे तब तो इंटीरियर ही आना चाहिए था ना, इट्स रॉन्ग, तो ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़कर करिए नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। यस पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड एंड इज अटैच्ड टू बाय अ स्टॉक, यस आंसर करें क्वेश्चन नंबर 6।
ए एंड बी दोनों के आंसर करें आप। खुशी ने सी किया आंसर और यस हारून सी, सचिन भैया कहां रह गए, गर्जोशी ने बी कर दिया। चलिए और देखिए आंसर, अयान ने भी बी किया है, इब्राहिम शैलेंद्र नेहा सबने सी किया है, तो बी और सी की बात सोचनी है। नेहा खान सी, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, बिल्कुल सही है, दैट्स अ सीला टर्शिका, एक कॉनकैविटी पाई जाती है, और ये सीला टर्शिका जो है एक स्फिनॉइड नाम की बोन है, अगर आपको इसका याद हो तो फ्लोर ऑफ क्रेनियम उसी में पाई जाती थी सीला टर्शिका। शिवानी पंकज ने भी सी किया है, लेकिन सवाल ये, इट इज अटैच्ड टू बाय स्टॉक, तो हाइपोथैलेमस इज द आंसर, हाइपोथैलेमस एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड रहती है। दिस फोरमैन भी कर सकते थे, लेकिन बेहतर आंसर हाइपोथैलेमस, इसलिए योर आंसर शुड बी द सी। अगर आपका हाइपोथैलेमस ना दिया होता तो लॉजिकली फोरमैन होता, तो गर्ग जोशी जिन्होंने आंसर बी किया था शायद वो बात को रिलेट कर पाए इस पॉइंट को। सचित गायब हो गए, चलिए सिक्स पूरा हुआ, सेवेंथ पे आइए, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, यस ए बी सी डी की लेवलिंग सही तरह से करिएगा, ए बी सी डी इनकी लेवलिंग करके बताएं सही कौन सा है। अच्छा दिया है आंसर सचित, मैं दिखा नहीं सचित, हाँ सी किया था आंसर, चलिए मुझे लगा गायब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, ए बी सी डी आंसर करिए, गर्ग जोशी ने बी आंसर किया है, A is the hypothalamus, B is the hypothalamic neuron, C is the portal circulation and D is the pituitary. Yes, सभी लोग भी आंसर कर रहे हैं, राइट? तो होगा सही होगा तभी तो कर रहे होंगे। भाई A सच में hypothalamus है, इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो hypothalamus है। B भी कोई शक नहीं है, ये hypothalamic neuron से है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। सी आपकी किताब की लेवलिंग है, पोर्टल सर्कुलेशन का जिक्र किया है, पोर्टल अगर आपको ध्यान हो तो इसे हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्क सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, पोर्टल वेन को आप तीन पढ़ते हो, हिपैटिक रीनल एंड हाइपोफाइसियल, इंसानों में सिर्फ दो ही पोर्टल वेन पाई जाती हैं, एक हिपैटिक पोर्टल वेन जो एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन पार्ट को लिवर से जोड़ती है, एक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन जो हाइपोथैलेमस को एंटायर पिट्यूटरी से जोड़ती है, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं उनको ले करके एंटायर पिट्यूटरी के पास जाती है ताकि उनके हार्मोन के सेक्रीशन को रेगुलेट कर सकें। रीनल पोर्टल सिस्टम का जिक्र करें तो वो वेल डेवलप्ड खाली फिशेस और एम्फीबिया में पाई जाती है, जब हम रेप्टाइल बने तो रीनल पोर्टल सिस्टम रिड्यूस हो गया, बर्ड्स में वेस्टिजियल हो गया और ह्यूमन यानी मैमल तक आते आते वो गायब हो गया, तो आंसर शायद सही जा रहा है एंड डी इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब गलती नहीं होगी, पिछले सवाल में गलत हो गया था, आंसर इज द बी, बिल्कुल सही है, गर्भ ने शुरुआत की थी इसकी एंड यस राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, देखते हैं कौन शुरू करता है इस क्वेश्चन का आंसर, यस इन फीमेल हार्मोन की बात है, कौन सा हार्मोन इंड्यूसर्स ओवुलेशन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए अपने आप, ए बी सी तीन कॉलम फिल करिए, मैं इस तरह क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। खुशी ने शुरुआत की है डी से, डी आंसर किया है, इब्राहिम बी कर रहे हैं, गर्ग जोशी डी कर रहे हैं, इब्राहिम चेक कर लो आंसर, और सब लोग सरोज अंजला सबिका नेहा अमन सचित डी, अब लग रहा सचित पढ़ के कर रहे हैं, इसलिए देर हो जा रही, अयान ने भी बी किया है, बी वाला ही पहले चेक कर लें, तो आप बी वाला क्यों किया है मेरे समझ में नहीं आता, जब कहा जा रहा ओवुलेशन, छोटा छोटा बच्चा जानता है एलएच हार्मोन इज द ओवुलेटरी हार्मोन, तो फिर ये बी और सी का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, तो क्यों किया भाई दो लोगों ने, इसका तो प्रश्न नहीं उठता है, ये ओवुलेशन कराता है लेकिन किसका, फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, उस फुल्ली मैच्योर फॉलिकल को आप क्या कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल, और बच्चे खाली इतने ही नहीं कराता कि इनका ओवुलेशन करा दी, जो बचा हुआ हिस्सा मेजर मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो सिर्फ तीन ही चीजें बाहर आती हैं, एक सेकेंडरी ओसाइट बाहर आता है, दिस
उसके साथ एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेलुसिडा, और एक उसके चारों तरफ एक और लेयर होती है, उसे हम लोग सेलुलर लेयर कहते हैं, एंड दैट इज कोरोना रेगनेटा, दैट इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। लेकिन जो मेजर पार्ट है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो आंसर खुशी ने जो शुरुआत की थी डी, वो सही है। कोई बात नहीं अमन, सॉरी की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हो पढ़ने में तो गलत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। सर, 5 फीचर्स लिखे गए हैं, बताना है कि द फीचर्स या जो फंक्शंस की बात की जा रही है, दीज आर रेगुलेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ तक आपको स्टेटमेंट लिखे गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। 9th गर्ग ने शुरू किया है ए, देन खुशी, सूरज शर्मा ने सी कर दिया आंसर, फाइनस उनको लग रहा है। सूरज अपना आंसर चेक करो। यस, बिल्कुल सही आंसर है ए, सी जिन्होंने किया वो गलत है। पीनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, उसका नाम है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन। इसके बहुत सारे फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका स्लीप एंड वेक साइकिल है, इसे हम लोग नाम देते हैं सिरकाडियन रिदम, सिरकाडियन रिदम, या आप नाम दे दें बायोलॉजिकल क्लॉक। बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे शरीर की ऐसी होती हैं जो समय निर्धारित होती हैं, जैसे रात आने पर शरीर में सुस्ती आ जाना और दिन आने पर एक्टिवनेस हो जाना, जबकि शरीर ने घड़ी नहीं देखी, उसके बाद भी एक्टिविटी क्यों हो जाती है, दैट इज स्लीप एंड वेक साइकिल। दूसरा वर्ड लिखा हमने बॉडी टेम्परेचर, तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम या तेज करती है अकॉर्डिंग टू डे लाइट अवेलेबिलिटी, तो यानी फिजियोलॉजी रेगुलेट हुई। पिगमेंटेशन का जो जिक्र किया गया है, तो हम लोग पढ़ते वक्त कहते हैं इसे आप फेयर एंड लवली समझिए, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट कलर ऑफ स्किन, ये स्किन का कलर हल्का करता है। अगर ये शब्द आप जान पा रहे हैं, यू कैन सी इट्स एन एंटागोनिस्टिक, यानी विपरीत एक्शन है एंटागोनिस्टिक टू एमएसएच, हार्मोन, क्योंकि दिस हार्मोन इज वेरी रिस्पांसिबल, यस डायगोनल रिदम भी कहते हैं, दिस हार्मोन इज वेरी रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। लेकिन विचित्र बात देखिए, ये पीनियल ग्लैंड हमारे प्यूबर्टी आने के पहले डीजनरेट हो जाती है। पॉइंट इतना स्ट्रांग है कि जब तक पीनियल ग्लैंड डीजनरेट नहीं होगी, तब तक आपने प्यूबर्टी आएगी नहीं। डीजनरेशन के दौरान पीनियल ग्लैंड के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है, एंड नाउ इट अपीयर्स एज ए ब्रेन सैंड, ये ब्रेन सैंड के नाम से जाना जाता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। यस, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन पढ़िए और फिर से ए बी सी कॉलम को फिल करिए। That will prove कि आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त एनसीईआरटी की लाइनें क्लियर हैं और साथ में हार्मोन की प्रॉपर फंक्शनिंग क्लियर है। यस, 10th क्वेश्चन बताएं। इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आवर डाइट रिजल्ट्स इनटू। यस, आगे आंसर 10th का शुरुआत किसने किया ये देख लूं। 10th की शुरुआत की है गर्ग जोशी ने, बी आंसर करके, और शायद सभी का आंसर यस बी ही आ रहा है, कोई वैरी नहीं कर रहा है। आयोडीन बिल्कुल थायराइड के लिए जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसके लिए जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन की सिंथेसिस नहीं हो सकती। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आवर डाइट रिजल्ट्स इनटू द, ये डेफिशिएंसी से हाइपोथायरायडिज्म भी हो सकता है बिल्कुल, और गॉइटर भी हो सकता था। लेकिन जब आयोडीन आ गया था तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड अ गॉइटर, यस इट्स अ गॉइटर, घेंघा रोग कहते हैं इनको, हालांकि हाइपरथायरायडिज्म में भी गॉइटर दिखता है। कभी आप पढ़ें
तो हमारे यहाँ दो तरह के ग्वाइटर का जिक्र करते हैं, हाइपर और हाइपो। लेकिन लेकिन सिंपली सिंपली जब जब कभी कभी ग्वाइटर ग्वाइटर लिखा लिखा होगा होगा तो तो उसे उसे आप आप हाइपो हाइपो ही ही समझिएगा, समझिएगा, क्योंकि क्योंकि जब जब तक तक आपको आपको अन्य अन्य हम हम ग्वाइटर ग्वाइटर की की बात बात ना ना करें, करें, हाइपर हाइपर थॉर्डिज्म थॉर्डिज्म वाली, वाली, तब तब तक तक उसे उसे कोरिलेट कोरिलेट नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। जैसे जैसे ग्रेव्स ग्रेव्स डिजीज डिजीज नाम नाम दिया दिया जाता जाता है, है, तो तो वहां वहां भी भी आपके आपके पास पास ये ये थॉर्डिज्म थॉर्डिज्म में में दिखता दिखता है। है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 11 11 पे पे आ आ जाएं। जाएं। आंसर आंसर सबका सबका सही सही था था लास्ट लास्ट वाले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन में। में। फिर फिर हमने हमने चार चार स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखे लिखे हैं, हैं, विच विच ऑफ ऑफ द द अबव अबव स्टेटमेंट स्टेटमेंट आर आर करेक्ट। करेक्ट। अभी अभी भी भी आपको आपको सोचना सोचना है है किसके किसके लिए लिए करेक्ट करेक्ट है, है, क्योंकि क्योंकि वो वो थॉर्डिज्म थॉर्डिज्म की की बात बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। यस, यस, आंसर आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 11 11 की की शुरुआत शुरुआत कौन कौन करेगा? करेगा? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 11, 11, हाइपोथॉर्डिज्म, हाइपोथॉर्डिज्म, फिर फिर हाइपर, हाइपर, फिर फिर हाइपो, हाइपो, फिर फिर हाइपर। हाइपर। ध्यान ध्यान से से पढ़िएगा। पढ़िएगा। यस, यस, आंसर आंसर आना आना शुरू शुरू हुआ हुआ 11 11 का का डी। डी। हारून हारून सिद्दीकी सिद्दीकी ने ने शायद शायद पहले पहले सबसे सबसे आंसर आंसर किया किया है। है। सूरज सूरज शर्मा शर्मा सी सी कर कर रहे रहे हैं, हैं, जैसी जैसी यादव यादव बी बी कर कर रहे रहे हैं। हैं। चलिए चलिए तो तो फिर फिर बढ़िया, बढ़िया, पढ़ने पढ़ने वाला वाला सवाल सवाल हो हो गया। गया। खुशी खुशी ने ने डी डी किया, किया, सी सी भी भी आया आया नेहा नेहा खान, खान, अंजलि अंजलि मुदलवाल मुदलवाल डी, डी, प्रियंका प्रियंका साहनी साहनी डी। डी। और और लोग लोग लिखें, लिखें, अंजलि अंजलि ने ने रिट्रैक्ट रिट्रैक्ट कर कर लिया, लिया, यानी यानी डी डी की की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ज्यादा लग लग रही रही है। है। तो तो पहले पहले देखें, देखें, हाइपोथॉर्डिज्म हाइपोथॉर्डिज्म कॉजेस कॉजेस इररेगुलेटरी इररेगुलेटरी इन इन द द मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल, सही सही है। है। जो जो हमारा हमारा थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन हार्मोन है, है, ये ये हमारी हमारी नॉर्मल नॉर्मल मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्टिविटीज हम हम लोग लोग कहते कहते हैं हैं ना, ना, इट इट मेंटेन्स मेंटेन्स बीएमआर। बीएमआर। तो तो अगर अगर हमारे हमारे पास पास थायरोक्सिन थायरोक्सिन कम कम या या ज्यादा ज्यादा होगा, होगा, दोनों दोनों ही ही सूरत सूरत में में मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो हो जाएगी। जाएगी। तो तो पहला पहला सही सही है। है। फिर फिर हाइपोथॉर्डिज्म हाइपोथॉर्डिज्म एडवर्सली एडवर्सली अफेक्ट अफेक्ट द द बॉडी बॉडी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये ये भी भी सही सही है, है, क्योंकि क्योंकि मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रेट रेट को को रेगुलेट रेगुलेट करता करता है है और और दैट्स दैट्स रिलेटेड रिलेटेड विद विद द द यस यस फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। हाइपोथॉर्डिज्म हाइपोथॉर्डिज्म कॉजेस कॉजेस क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात बात है। है। जो जो अर्ली अर्ली स्टेज स्टेज में में जो जो हाइपोथॉर्डिज्म हाइपोथॉर्डिज्म हो हो जाती जाती है, है, बच्चा बच्चा माँ माँ के के पेट पेट में में हो हो उस उस समय समय कम कम हो हो जाए जाए थायरोक्सिन थायरोक्सिन या या एकदम एकदम इन्फेंट इन्फेंट अवस्था अवस्था में में तब तब क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, और और हाइपोथॉर्डिज्म हाइपोथॉर्डिज्म कॉजेस कॉजेस ग्वाइटर। ग्वाइटर। यस, यस, आंसर आंसर द द डी। डी। तो चेक चेक करें करें जिन जिन लोगों लोगों ने ने कुछ कुछ और और आंसर आंसर डी डी किया, किया, आयान आयान अभी अभी भी भी बी बी कर कर रहे रहे हो, हो, क्या क्या तीसरा तीसरा सही सही नहीं नहीं लग लग रहा रहा है? है? क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, क्रिटिन। क्रिटिन। क्रिटिनिज्म क्रिटिनिज्म एक एक ऐसी ऐसी डॉर्फिज्म डॉर्फिज्म होती होती है है जहां जहां मेंटल मेंटल रिटार्डेशन रिटार्डेशन भी भी होता होता है। है। जो जो आप आप पिट्यूटरी पिट्यूटरी के के ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन हार्मोन की की कमी कमी से से पढ़ते पढ़ते हो हो डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म, वो वो मिडगट मिडगट कहलाते कहलाते हैं। हैं। तो तो क्रिटिन क्रिटिन और और मिडगट मिडगट में में डिफरेंस डिफरेंस रखिएगा, रखिएगा, सी सी क्यों क्यों सही सही नहीं नहीं है? है? भाई भाई हमने हमने कब कब कहा? कहा? भाई भाई चौथा चौथा भी भी तो तो सही सही है, है, सी सी ऑप्शन ऑप्शन कैसे कैसे सही सही होगा? होगा? हाइपोथॉर्डिज्म हाइपोथॉर्डिज्म कॉजेस कॉजेस ग्वाइटर, ग्वाइटर, अभी अभी मैंने मैंने आपसे आपसे कहा कहा इसके इसके पहले पहले के के सवाल सवाल में में जब जब ग्वाइटर ग्वाइटर कहीं कहीं गया गया तो तो ग्वाइटर ग्वाइटर का का मतलब मतलब सिंपल सिंपल ग्वाइटर ग्वाइटर ही ही समझा समझा जाएगा, जाएगा, हाइपोथॉर्डिज्म हाइपोथॉर्डिज्म का का ग्वाइटर ग्वाइटर नहीं नहीं समझा समझा जाएगा, जाएगा, इसलिए इसलिए फोर्थ फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन भी भी सही सही होगा, होगा, इसलिए इसलिए आंसर आंसर होगा होगा डी। डी। कोई कोई तकलीफ तकलीफ हो हो सूरज सूरज शर्मा शर्मा तो तो आप आप पूछ पूछ सकते सकते हैं, हैं, क्योंकि क्योंकि आपने आपने फोर्थ फोर्थ आपके आपके हिसाब हिसाब से से गलत गलत हो हो रहा रहा था। था। मैंने मैंने यही यही कहा कहा सारे सारे स्टेटमेंट स्टेटमेंट सही सही हैं, हैं, फोर्थ फोर्थ वाला वाला जो जो स्टेटमेंट स्टेटमेंट है है वो वो भी भी सही सही है, है, इसलिए इसलिए सी सी के के बजाय बजाय डी डी होगा। होगा। शायद शायद सूरज सूरज शर्मा शर्मा मेरी मेरी बात बात से से सहमत सहमत हों। हों। चलिए चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 11, 11, 12 12 पे पे आ आ जाएं। जाएं। कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो हो सूरज सूरज शर्मा शर्मा तो तो आप आप चैट चैट कर कर सकते सकते हैं। हैं। यस, यस, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फिर फिर से से अगला अगला सवाल सवाल आया, आया, ए ए बी बी सी सी आपको आपको चूज चूज करना करना है, है, ठीक ठीक है? है? आप आप बताएं बताएं ए ए बी बी सी, सी, इसमें इसमें थाइमस थाइमस की की लोकेशन लोकेशन को को लेकर लेकर सवाल सवाल कहा कहा गया गया है, है, तो तो प्लीज प्लीज चूज चूज द द करेक्ट करेक्ट आंसर। आंसर। गर्व गर्व जोशी जोशी ने ने शुरू शुरू किया किया ए, ए, लंग्स, लंग्स, हार्ट हार्ट एंड एंड इम्यून, इम्यून, ये ये वर्ड वर्ड लिखा लिखा है। है। और और लोग लोग देखें, देखें, अंजला अंजला दीप दीप ने ने सी सी कहा कहा है, है, सचित सचित भल्ला भल्ला ए ए क्या क्या है? है? यस, यस, और और लोग लोग आंसर आंसर करें। करें। हसनैन हसनैन ने ने सी सी किया किया है, है, अंजल अंजल खुशी खुशी ने ने भी भी सी सी किया, किया, पंकज पंकज ए, ए, हारून हारून डी, डी, बात बात हो हो गया गया सारे सारे आंसर, आंसर, बी बी करो करो भैया भैया जल्दी जल्दी इसको इसको ही। ही। सचित सचित ने ने सी सी किया किया है, है, सब सब लोग लोग बदल बदल लेते लेते हैं हैं तुरंत तुरंत यार यार आंसर, आंसर, ए ए सी सी
क्योंकि आज से चार साल पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें हार्ट का जिक्र किया हुआ था। अब तो साफ साफ यही लाइन लिखी है, थाइमस गैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो, कितनी गलत बात है। थाइमस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हार्ट कहां से आया? जिसके आंसर में ए आ रहा है, हार्ट आ रहा है, मतलब उसने एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़ रखी है या फिर नई एनसीईआरटी है उसे पढ़ा नहीं। नेहा खान देखे कितने कॉन्फिडेंट से कह रही हैं कि आंसर सी होगा, बिल्कुल सी होगा, 100 नहीं 1000% सी होगा। तो अगर और लोगों ने आंसर से बी भी किया, सूरज शर्मा ने बाद में बदल के ए कर लिया, तो प्लीज चेक करिए कहीं गलती कर देते हैं आप लोग और फिर एनसीईआरटी पढ़ के नहीं बैठते। लेके नहीं बैठने कह रहा हूँ, किताब लेके बैठो, तब तक तो आंसर ही निकल जाएगा, चैप्टर पढ़ कर आइए ना, तो थोड़ा बेहतर आपको भी लगेगा। अदरवाइज इस वर्क का हम आपका समय जो ले रहे हैं उसका कोई बेनिफिट होगा आपको? नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एक डायग्राम का सवाल आपकी किताब का है ए बी सी डी ई, ये चार पांच लेवलिंग है आपके पास, सही सही करके देखिए। इसमें एक लेवलिंग मैंने खुद जोड़ दी है, अदरवाइज सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी से ही हैं। एक जगह लेवलिंग मैंने अपने आप जोड़ी है, चेक करिए क्या हो सकता था वहां पे। अब किताब मत खोलो भाई, सचिन ने शुरुआत की है 13 के ए की। और लोग सहमत हैं? यस, सहमत कुछ ज्यादा ही लोग हैं। अंजला, खुशी, गर्व, शिवानी, असामा, सबिका, नेहा, हारून, सभी का आंसर आ गया ए। चलिए बिल्कुल, मैं जो आपसे कह रहा था कि मैंने बी वाला जो ब्लॉक है ये अपने आप फ्रेम कर लिया, ए लेयर ऑफ फैट। कभी आप पढ़े कि हमारे किडनी के चारों तरफ एक कैप्सूल पाई जाती है, कैप्सूल, तो वो फैट उसमें काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर एक थिक लेयर ऑफ फैट पाई जाती है। इसके ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है और ये किडनी है। तो हमारे ख्याल से अब गलती हो ही नहीं सकती, तो ये कोई कठिन सवाल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं, फिर से एबीसी। आप देखो आज के क्वेश्चन में हमने सब एबीसी भी कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि देखें कितनी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, क्योंकि मगअप कराना हमें सिर्फ एनसीईआरटी। तो यस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन मिसप्लेस नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू देखें कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कौन करता है? एडनल मेडुला सेक्रेट टू हार्मोन एडेनिन एंड, यस वेरी गुड, गर्व जोशी ने शुरू किया बी आंसर, और सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, सचेत, खुशी, अंजला, उसामा, कोई बदल जाएगा? नहीं बदल रहा है, यस आंसर बी कर लेते हैं। एडेनिन का जो दूसरा नाम है उसका नाम है इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एडेनिन, और नॉर एडेनिन का दूसरा नाम है नॉर इपिनेफ्रिन, तो जाहिर है या तो बी आंसर होना चाहिए या सी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों को कॉमनली कलेक्टिवली मिला के हम लोग कैटेकोलामीन भी कहते हैं, कैटेकोलामीन कहते हैं या इनको हम लोग बायोजेनिक एमीन्स भी कहते हैं, इट इज द सेम थिंग, बायोजेनिक एमीन्स दिस। तो आंसर इज द बी, तो कहीं गलती हो ही नहीं सकती थी, और ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही सीक्रेट होते हैं, इसलिए इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एक सवाल हमारा और है हमारे पास, लाइफ सेविंग हार्मोन आंसर बताना है आपको, क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन अगर इसे कहते हैं तो लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहते हैं? जोकर बहुत देर बाद आए हैं और कह रहे हैं साउंड में इको आ रही है, आ रही है बिल्कुल, आप बैकग्राउंड में देखो बहुत म्यूजिक बज रहा है, शादी हो रही बगल में। कार्टिसोल, यस बिल्कुल, हारून सिद्दीकी का आंसर बिल्कुल सही है, एंड द आंसर इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यस सभी ने आंसर सही किया है, राइट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थोड़ा ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी हार्मोन है एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन को कर दें, कभी प्रेफर करना हो तो एड्रेनालिन को करिएगा, लेकिन लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम पे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को प्रेफर करते हैं, बिल्कुल सबका आंसर सही है, इज क्वाइट गुड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं, फिर से देखिए ए बी सी, मतलब आज का खाली लाइव सेशन में सिर्फ ए बी सी ही भरोगे। लैंडिंग सेल्स का जिक्र किया है, टेस्टिस को लेकर सवाल है, उसके डायग्राम को लेकर, उसके हार्मोन को लेकर। नेहा खान कह रही 50% किस बात को लेकर 50% कहा है, मैं समझ नहीं पाया। नेहा खान ने 50% कहा है, पर नहीं समझ पाया 50% किस बात को लेकर कह रही है।
यस क्वेश्चन नंबर 15 बताएं, ए बी सी फिल करें, शुरू कौन करेगा? अच्छा रिट्रैक्ट कर लिया, कोई बात नहीं। तो यस अंजला ने शुरू किया 15 का ए, और कोई शुरू करेगा? एनी चेंज? सभी का जोकर ए, खुशी गर्व जोशी चेंज कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, चेक कर लीजिएगा भाई, गर्व जोशी अलग हो गए। यस और कोई आंसर? और सब लोग, सचिन ने डी आंसर किया है, हाँ गर्व ने भी तो शायद कुछ अलग किया था, डी किया था, और सब लोग ए कर रहे हैं, गर्व और सचिन डी कर रहे हैं और सब लोग ए कर रहे हैं, मिला लो भैया ए। चलिए लेडिंग सेल्स या इनको तो हम लोग एक ही नाम दे रहे हैं, इंटरस्टीशियल सेल, इंटरस्टीशियल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन पाई कहा जाते हैं, यानी आपकी सारी प्रॉब्लम बी पर छुपी हुई है। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारी ये सेमी फेरस टिब्यूल्स हुआ करते थे, इन सेमी फेरस टिब्यूल के बीच में पाई जाती थी दीज वन, इसे कहते थे हम लोग लेडिक सेल, लेडिक सेल्स। तो सवाल अब आएगा कि इंट्रा ट्यूबुलर कहेंगे या इंटर ट्यूबुलर कहेंगे, आंसर द डी, टिब्यूल के बीच में, ये सेमी फेरस टिब्यूल है। तो सेमी फेरस टिब्यूल के बीच में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहना चाहा था इंट्रा और इंटर का मतलब, इंट्रा का मतलब उसके अंदर और इंटर का मतलब इन बिटवीन, तो सेमी फेरस टिब्यूल के बीच बीच में पाए जाते हैं, तो ये इंट्रा कैसे हो गया? तो तीन लोग का सिर्फ आंसर सही हुआ, कितनी गलत बात है, इसका मतलब सब लोग सिर्फ फॉलो करते हैं क्वेश्चन को। यस अंजला ने शुरुआत की और सब लोगों ने उठा के टाइप करना शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो भैया, ये क्यों लग रहा है आप लोगों को इंट्रा ट्यूबुलर स्पेस कैसे लगने लगा? पहले सेमी फेरस टिब्यूल के अंदर तो आप दो ही प्रकार के सेल पढ़ते हो, एक नर्स सेल यानी सर्टोली सेल और दूसरी जर्नल सेल, लेडिक सेल कभी टिब्यूल के अंदर कैसे होने लगी? आयान कह रहे हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन, बिल्कुल सही है वो, तो यानी देखिए कितनी गलती की, सबने गलत किया, ये प्रूफ करता है कि आप लोग क्या करते हो ना, आंसर कॉपी करते हो, मतलब ये बड़ी डिसगस्टिंग बात है कि आंसर से कॉपी किया जा रहा है और यस इंट्रा लिखा हुआ ये नहीं दिख रहा है इसमें, और पहले और सी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इतने लोगों का गलत हुआ, सिर्फ तीन लोगों का सही हुआ, सचेत शरीर और एक गर्व, हाँ सबसे पहले गर्व ने आंसर किया था और सब लोग का आंसर गलत है, खुशी अग्रवाल सभी का, देखिए कितने लोग गलत हैं, अंजला कोई नहीं पढ़ रहा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं, मतलब थप्पड़ लगाने वाला है फोन के अंदर घुस के, क्वेश्चन नंबर 16 फिर से आ जाइए, एबीसी पढ़ के दिखाइए, एंड्रोजेंस एक्ट ऑन किस पे काम करते हैं, इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर कॉल्ड, यस बहुत कॉमन सी लाइन है, इज अगेन फ्रॉम द लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी, डिक्टो लाइन एनसीईआरटी की है, प्लीज चूज द आंसर, गौरव गुप्ता ने आंसर शुरू किया है सी, हारून सिद्दीकी सी, अयान सी, और लोग भी पढ़ के करना, सूरज शर्मा सी, सभी का जोकर खुशी सी, शैलेंद्र मोहित सी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सी, कोई वेरिएशन होना भी नहीं चाहिए, जो हमारे एंड्रोजेंस होते हैं हमारे सीएनएस पे काम करते हैं, लिबिडो मेंटेन रखते हैं, एंड दिस शोज़ द एनाबोलिक को ब्रैकेट में आपके एनसीईआरटी में लिखा है सिंथेटिक इफेक्ट, सिंथेटिक इसलिए प्यूबर्टी में जब एंड्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो सिंथेटिक एक्टिविटीज बढ़ने लगती हैं, एनाबोलिक एक्टिविटीज बढ़ने लगती हैं, इसलिए बॉडी मसल्स बॉडी ग्रोथ जो होती है वो बॉयज में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। यस बिल्कुल 16 का सी है, चलिए 17 पे आ जाएं, फिर से ए बी सी, आज यही कर करके आप थक जाओगे, सिर्फ ए बी सी चूज करना है आपको, बिकॉज लाइनें वहीं से ट्रेस की गई हैं, अब एंड्रोजन की बात कर ली तो ईस्ट्रोजन कैसे पीछे रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें, 17 क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं, ईस्ट्रोजन कहां सिंथेसाइज होता है, सिक्रेट, यस संजला ने शुरुआत की है, ए आंसर किया है, और कोई क्वेश्चन का आंसर, गर्व जोशी सी, चेक कर लो भाई अंजला, गर्व जोशी अलग है, आप अलग हो गए, अंजला ने ट्रैक कर लिया, और लोग मत कर लेना, सचित ने भी किया है, ए बी सी तीन आंसर आ गए, खुशी ने ए किया है,
ए बी सी तीन आंसर आए हुए हैं, डी कोई नहीं करेगा, मतलब बी भी खूब हो रहे हैं आंसर। चलिए हम भी देखते हैं, ईस्ट्रोजन सिंथेसाइज एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द गोइंग ग्रेफियन फॉलिकल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो या तो आंसर बी होगा या फिर डी होगा, ये तो तय हो गया। After ovulation, ruptured follicle is converted into the structure corpus luteum. अभी कहीं सॉल्व नहीं हुआ मसला। Which secrete progesterone? Major part जो corpus, which का मतलब corpus luteum से है, वो major part progesterone secrete करता है। इसलिए answer should be the B. अब check करो कितने लोग का answer गलत हुआ। A कैसे answer हो गया? Corpus callosum कैसे answer कर दिया भैया? A किसने किया answer? पहले तो सी कर लिया था लोगों ने आंसर, फिर बाद में चेंज करना शुरू कर दिया, तो गलत बात है, कहां पे हो गया आप लोग, क्या करें, सबको क्लास मतलब लगाई है क्लास एक एक करके नाम ले ले करके, तो गलत बात है, आप फिर एफर्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर जा रहे हो, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसमें जो आपको ना आता हो, सिर्फ आप पढ़ने में गलती कर रहे हो, सिर्फ यही गलती आपके एग्जाम में होगी और कोई गलती नहीं होगी, ऐसा कोई सवाल ही नहीं हो सकता एग्जाम का जो आपको आता ना हो, सिर्फ वो गलती करेंगे जिसके लिए आपने तैयारी कर रखी है, अपने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, तो प्लीज पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, देखिए फोर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर जनरल सा सवाल हार्मोन के लिए निकाला गया है, वही इंट्रोडक्शन का सवाल जो भी थोड़ी देर पहले आपने किया था, उसी तरह का सवाल, मैसेज रिटैक मत करो, पढ़ लिया हमने, वो पता तो चलना चाहिए गलत हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये फोर स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट, यस सचित ने शुरू किया है, डी गर्व जोशी खुशी अग्रवाल, डी बहुत आसान सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए, सभी का शिवानी नेहा उसामा, डी यानी पहला और चौथा सही मान रहे हैं, सेकंड और थर्ड गलत है, हार्मोन सर इंट्रासेलुलर ये गलत है, इंटरसेलुलर केमिकल्स होते हैं, मॉडरेट नहीं सर ट्रेसेस होना चाहिए था, इसलिए ये दोनों सच में गलत हैं, आंसर सच में डी ही होगा, यस इसमें कहीं गुंजाइश थी ही नहीं गलती होने की। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं, मैचिंग आपको लिया गया है, कॉलम ए एंड कॉलम बी चूज करिए, ये देखिए शुरू कौन करता है, कॉलम ए एंड कॉलम टू, दो कॉलम लिए हमने, एक तरफ हार्मोन के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ फंक्शन, रिलेट करिएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखें, शुरू कौन करता है इस क्वेश्चन का आंसर, खुशी अग्रवाल ने शुरू किया है, 19 का बी कह रही है, और लोग भाई कॉपी मत करना, सचित प्रणव शिवानी अंजला हारून गर्व गौरव 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 ने सी किया आंसर, चेक कर लो गौरव सी किया है ना, एफएसएस का फंक्शन देखें, एफएसएस का काम होता है फॉलिकल को ग्रो कराना, यानी ए का 4 होना चाहिए, एमएसएस का काम होता था रेगुलेट फंक्शनिंग, बिल्कुल सही बात है, पिगमेंटेशन, तो ये लाइट कलर ऑफ स्किन नहीं डार्क कलर के लिए जिम्मेदार है, मेलाटोनिन लाइट कलर है, सेकंड का बी होना चाहिए, आ गया सर, अब सी कैसे किया था वो गलत बात है, ADH का काम होता था, ADH बनता हाइपोथैलेमस में, स्टोर होता है आपके पास, ट्रांसपोर्ट हो जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहां पर पहुंच जाता है और जरूरत पड़ने पर यहीं से रिलीज होता है, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन कहलाता है, इट सिंथेसाइजेस द मिल्क, यस तो आंसर इज क्वाइट करेक्ट बी, सिर्फ एक आंसर सी आया था, MSH बिल्कुल पिगमेंटेशन डार्क कलर, मेलाटोनिन हमने कहा लाइट कलर, इसलिए एमएसएच और मेलाटोनिन दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं, एक ब्लड कैल्शियम लेवल की बात की गई है, कई बार ये क्लास में पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी आ चुका है, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो है 8.5 से लेकर के 10.5 मिलीग्राम प्रति 100 ml, ये वैल्यू है ब्लड कैल्शियम लेवल की, तो इसके बारे में कहा जा रहा है, स्टेटमेंट पढ़ें और आंसर करें, मार्क द वन व्हिच हैज नो रोल, ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल है इसको मेंटेन करने में कई सारे फैक्टर काम करते हैं, चार ऑप्शन दिए गए में से कौन सा काम नहीं करता है, सचित ने शुरू किया है, डी डी बिल्कुल सबके आंसर, गर्व खुशी शैलेंद्र हारून आयान सभी का बिल्कुल, थायमोसिन हैज नो रोल,
विटामिन डी, पैरा हार्मोन, कैल्सिटोनिन, इन सब पैरा हार्मोन का दूसरा नाम बताना होगा सबको। पैरा हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? एक नाम और है, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन और पैरा हार्मोन, तीनों का रोल आपके कैल्शियम को मेंटेन करने है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है, हाइपर कैल्सीमिया कॉज करता है और ये हाइपो कैल्सीमिया कॉज करता है। दोनों पुश एंड पुल मैकेनिज्म से काम करते हैं। सूरज शर्मा ए आंसर कर रहे हैं, भैया कहाँ हो? यस अंजला ने बिल्कुल सही आंसर किया है, कोलिप्स हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन कहते हैं इनको। यस और सबके आंसर सही आ रहे हैं इस जगह पर, आंसर द डी। सूरज शर्मा पता नहीं क्यों ए के प्रति इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। यस क्वेश्चन नंबर 21। All the following tissue in the mammal except one consists of the central medullary region surrounded by the cortical region. Mark the wrong entry. Question पढ़िए, समझिए क्या वो कह रहा है, फिर आप आंसर करें। शुरू कौन करेगा? हारून सिद्दीकी कह रहे हैं सी, बिल्कुल पहला आंसर इनका आया है। सचिन भल्ला सी, खुशी अग्रवाल सी। और लोग ध्यान से पढ़ लें, पूछा क्या जा रहा है पहले वो समझने की कोशिश करिएगा। शैलेंद्र, उसामा, सबिका, गर्व, अंजला, एवरीवन इज टेलिंग द सी आंसर, द करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि जैसे कोई भी आप स्ट्रक्चर देखें इसके दो पार्ट होते हैं, बाहर वाले पार्ट को अक्सर हम कॉर्टेक्स कहा करते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम अक्सर मेडुला कहा करते हैं। तो कहा जा रहा है कौन सा ऐसा इसमें से पार्ट है जिसमें ऐसा फीचर नहीं पाया जाता। ओवरी में भी ऐसा ही पढ़ते हैं, एडनल में भी ऐसा पढ़ते हैं, किडनी में पढ़ते हैं, लिवर में ऐसा नहीं पढ़ते हैं, वहां कहीं हम इस तरह से कॉर्टेक्स और मेडुला जैसी स्थिति नहीं बताते हैं। तो आंसर इसका सी। 22 पे आ जाएं। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन से किस बीमारी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन डिफिशियंसी ऑफ यानी हाइपोथायरायडिज्म से किसका ताल्लुक नहीं है ये आपको बताना है। हाइपर से तो मतलब नॉट लिंक्ड विद द हाइपर से ताल्लुक हो सकता है लेकिन हाइपो से ना हो। 22nd का आंसर सबसे पहले गर्व जोशी ने शुरू किया सी, सचिन ने डी कहा है और सब लोग सी, खुशी ने भी डी कहा है और आंसर डी आने लगा। यस सी और डी चेक कर लो सर। वाइट जो किटनेस में ये चाइल्डहुड अवस्था में बचपन में अगर कमी हो जाए तो किटनेस में एडल्ट में कमी हो तो मिक्सोडिमा। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है एक्सोथैल्मिया, पढ़ेंगे आप, दैट इज अ हाइपरथायरायडिज्म। थायरॉक्सिन का लेवल जब बढ़ जाता है तब हो जाता है। एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर निकल आती है और ऑप्थैल्मिया का मतलब आईज, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, जो आईबॉल होती है इसके जस्ट पीछे काफी ज्यादा म्यूकस भर जाता है। ये हाइपरथायरायडिज्म की बात कही जा रही जबकि आपसे पूछा गया था कौन सी डिफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से नहीं होती है। आंसर द डी। तो जो लोग सी आंसर कर रहे हैं चेक कर लें भी क्या प्रॉब्लम हो गई। मोहित, प्रियंका, सानी, कई लोगों ने क्या, शैलेंद्र, शिवानी मौर्य सी, पंकज यादव, क्या मिक्सोडिमा कहीं पढ़ रखा आपने? पिट्यूटरी मिक्सोडिमा की बात नहीं कर रहे हम, थायराइड मिक्सोडिमा की। जब मिक्सोडिमा हम लिखते हैं तो इसका मतलब थायरॉक्सिन है। जब हमें पिट्यूटरी वाले मिक्सोडिमा पढ़ना होगा तो हम स्पष्ट बताएंगे पिट्यूटरी मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा वर्ड अगर सिर्फ लिखा है इसका मतलब वी आर रिलेटेड विद थायरॉक्सिन। शायद इसी पॉइंट से आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए 23 नंबर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेम द हार्मोन इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोर्टेलिटी। जो ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देता है और मोर्टेलिटी को भी कम कर देता है, जो स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्सिस होती है उसे कम करता है। 23B हमेशा एग्जांपल ऑफ एक्सोथैल्मिया, मत कहना भैया चुनाव का टाइम है, ले जाएंगे। यस बी आंसर बिल्कुल, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहलाता है। यस बिल्कुल सही आंसर है। यस ये हमारे 23 क्वेश्चंस हुए। हमने आज के सेशन में कोशिश की थी कि एनसीईआरटी की लाइन को ही फ्रेम किया जाए, तो आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं आधा घंटा या 35-40 मिनट में ये वाइंड अप हो जाए हमारी बात। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो आज के सेशन में क्वेश्चन को लेकर तो प्लीज यू कैन आस्क। किसी को कोई प्रॉब्लम है?
नेक्स्ट मैं यही चाहूंगा, नेक्स्ट सैटरडे, खुश हुआ, थैंक यू सो मच। तो सर मैं चाहूंगा कि आप सचिन भी कह रहे हैं नो सर, तो पढ़कर आइएगा यही चैप्टर, दोबारा पढ़कर आइएगा, मैं फिर यही चैप्टर सेशन करूंगा, फिर हम लोग 20-25 सवाल करना चाहेंगे। जैसे एक सवाल है, ग्लूकोकॉर्टिसोन लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों है? सर ये यहाँ से सीखेगा सरोज, जब इमरजेंसी आती है हमारे पास, जब इमरजेंसी आती है उस समय एड्रेनलिन का लेवल काफी बढ़ जाता है, हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है, शुगर लेवल काफी बढ़ जाती है, यानी सारी एक्टिविटीज काफी बढ़ जाती है जस्ट फॉर फाइट और फ्लाइट। हम उस इमरजेंसी का या तो मुकाबला करते हैं या वहां से भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लेवल अचानक गिरने लगता है, शुगर लेवल गिरने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, हार्ट बीट हमारी जो है, ये सारी चीजें वाइटल फंक्शन डाउन होने लगते हैं, उस समय हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है काम करने और इन सब को नॉर्मल करता है। जब इमरजेंसी जा चुकी होती है उस समय जीवन को बचाने काम इसका है। तो शायद अब समझ में आई सूरज को, तो यस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, टाइमली आ जाते हैं। तो सर क्या डायबिटीज भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है? डायबिटीज के बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो डिसऑर्डर है उसमें से कुछ रूप ऐसे हैं, कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, नॉट ऑल डायबिटीज। तो हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं, लेकिन डायबिटीज जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। हम तो ही पढ़ते हैं, दैट इज आईडीडीएम और एनआईडीएम। तो एनआईडीएम तो बिल्कुल नहीं है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, लेकिन आईडीडीएम के भी कई रूप होते हैं, उनमें से कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो हमारे ख्याल से आप सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे। तो अगले सैटरडे हम लोग फिर मिलेंगे 6:30 बजे इसी चैप्टर के साथ, इसी चैप्टर में हम फिर 20-25 सवाल कराने की कोशिश करेंगे। और प्लीज मैं कमेंट बॉक्स में जरूर चाहूंगा कि आकर के आपको सेशन कैसा लगता है जरूर बताएं, और इंस्पायर होता हूं मैं इससे कि आपके कमेंट सेक्शन में, चैट में नहीं, आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाएं और उसमें कुछ अगर बातें आपको ठीक लगती, कोई सजेशन हो वो दीजिए, ताकि मैं कोशिश कर सकूं जो मैं बेहतर कर सकूं। Yes, otherwise Allah Hafiz.